क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स वाली क्लास में लास्ट लेक्चर में हमने कोई चतुर टर्मिनल जाल था उसके ब्राचलों की बात करी थी जो तीन प्रकार के पड़े थे अपन ने। पहला तो कौन सा था अपने पास, जेड ब्राचल था, एक वाई ब्राचल था, एक एच ब्राचल था। मोस्टली जो यूज होते हैं क्योंकि जेड और वाई तो जस्ट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट टाइप में, इसलिए अपन जेड ब्राचल पढ़ लेते हैं तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वाई के रूप में पढ़ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है ना। सर्किट की जो मोस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन सब किसी एक ब्राचल से मिल जाती है, ठीक है। इसलिए अब अपन क्या करते हैं, यहां उन दोनों प्रकार से दो क्वेश्चन आपके पास दिए हुए हैं, एक जेड प्राचलों के रूप में एक एच प्राचलों के रूप में। दो कोई सर्किट आपको दे रखे हैं, नेटवर्क आपको दे रखे हैं और दोनों नेटवर्क के लिए आपको एक के लिए तो जेड प्राचल फाइंड आउट करने हैं और दूसरे के लिए क्या फाइंड आउट करने हैं, एच प्राचल फाइंड आउट करने हैं। आज हम उनको अपन देखते हैं, अभी जो लास्ट स्टडी आपने करी है, लास्ट लेक्चर आपने सुना है, उसके बेसिस पे आप उनको कैसे सॉल्व करते हो वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल अपने पास है वो क्या है, आपको एक सर्किट दिया गया है ना। सर्किट में क्या दिया गया, इनपुट वोल्टेज V1 है, इनपुट करंट I1 है, आउटपुट वोल्टेज V2 है, आउटपुट करंट कितनी है I2 है, और तीन रेजिस्टेंस दिए गए हैं 1 ओम, 1 ओम और 2 ओम, ठीक है। ये व्यवस्था आपको दी गई है, ठीक है। सर्किट कैसा है, रेजिस्टेंस एक, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये 1 ओम R1 बराबर और ये R2 बराबर कितना 1 ओम। यहां दिया गया है R3, ये R3 बराबर भी कितना, ये 2 ओम है, ठीक है। ये दो इनपुट टर्मिनल है और इनके बीच की जो वोल्टेज है वो कितनी है V1, और इसमें से जाने वाली करंट कितनी है I1 जो इनपुट करंट है। इधर वाले जो दो टर्मिनल आपके पास है इनके बीच की जो आउटपुट वोल्टेज है वो V2 है और इधर से जाने वाली करंट कितनी है I2। सिंपल है। इसके कौन से प्राचल पूछ रहा है आपसे, जेड प्राचल उनके पूछ रहा है। तो जेड प्राचलों के रूप में आपने जो समीकरण लिखे थे इसके सबसे पहले आप पहला काम वही करोगे, सिंपल फॉर्म में इनके समीकरण लिखोगे तो V1 आपको क्या दिया गया था, Z11 I1 प्लस Z12 I2, पहला समीकरण ये था, ये याद रखोगे आप है ना। और V2 क्या था, Z21 I1 प्लस Z22 I2, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। 1 by 1 करके अपन देखेंगे कि Z11 क्या होगा, 12 क्या होगा, 21 और 22 क्या होगा। क्या रहा आपके पास यहाँ पर मान, Z11 का आपने याद किया था उस टाइम क्या देखा था, तो Z11 क्या रहेगा, देखो Z11 के लिए I2 को जीरो करना पड़ेगा हमें, है ना। I2 जीरो करते हैं, यहां देखो V1 बराबर Z1 इंटू I1, इसका मतलब क्या रहा अपने पास, V1 अपॉन I1, जबकि आपने लिखा था ना यहां, जबकि I2 क्या है जीरो। किसी सर्किट में या जो टर्मिनल आपके दे रखे हैं उनके बीच करंट जीरो होने का मतलब क्या है, वो टर्मिनल अलग अलग ओपन खुले, इसका मतलब इस स्थिति में अपने पास परिपथ कैसा होगा, ये वाला। इस स्थिति में ये इस परिपथ के लिए मैं क्या करता हूं, यहां वाली स्थिति में ये लो, ये दोनों टर्मिनल कैसे हैं खुले हैं, ये लो, ये दोनों टर्मिनल खुले हैं, ठीक है, ओपन रख दिया मैंने टर्मिनल। यहां मैंने V1 जोड़ दिया, ये खुले नहीं है इस कंडीशन, यहां जोड़ रखा मैंने कितना वोल्टेज, V1 वोल्टेज जोड़, तो क्या होगा, यानी कि क्या हो, इसका मतलब क्या हो, निर्गम लघुपतित हो या निर्गम खुला हो, निर्गम टर्मिनल क्या हो, खुले हो। अब निर्गम टर्मिनल खुले हो ये वाला, अब देखो जरा पावर सप्लाई सोर्स केवल V1 बचा सर्किट में, एक रेजिस्टेंस R1 यहां जुड़ा है, दूसरा यहां जुड़ा है, अब ये R2 अनइफेक्टिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये R2 इसलिए इफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि यहां एक टर्मिनल खुला है, इधर कोई करंट जा नहीं रही, जब करंट नहीं जा रही इसका मतलब क्या, कोई काम नहीं, ठीक है। इसलिए अपने पास सर्किट केवल इतना बच गया, अब इस सर्किट में V1 वोल्टेज लगा रहे हो है ना, इस सर्किट में, देन इस सर्किट में V1 वोल्टेज लगा रहे, तो V1 का मान कितना होगा बताना जरा मुझे, ये वोल्टेज लगाए तो करंट फ्लो I1, तो I1 इंटू R1 प्लस I1 इसमें से जाएगी अभी, ठीक है, तो I1 इंटू R3 क्या को माना गया, I1, तो अपने पास क्या आ गया, Z11 बराबर ये V1 अपॉन I1 ले लो, V1 अपॉन I1 क्या हो गया, R1 प्लस R1 कितना 1 ओम प्लस R3 कितना 2,
परिपथ के लिए Z11 कितना आएगा 3 होगा। ठीक है, सेकंड केस देखो, दूसरे वाली स्थिति में क्या था, दूसरी वाली स्थिति में अपने पास क्या है, Z12 चाहिए है ना, क्या चाहिए Z12, Z12, Z12 कब मिलेगा अपन को, I1 जीरो करेंगे तो क्या V1 अपॉन I1, V1 अपॉन I1, जबकि आपको क्या दिया है, जबकि I1 क्या है जीरो, I1 जीरो होने का मतलब क्या है, निवेशी टर्मिनल खुले हैं, निवेशी टर्मिनल क्या है खुले हैं। अब देखो निवेशी टर्मिनल जब खुले हैं यानी ये टर्मिनल खुलने से और यहां कोई बैटरी नहीं जुड़ी और ये करंट भी यहां कोई फ्लो नहीं होगी, ये टर्मिनल ओपन है, और इस केस में यहां जो बैटरी जोड़ी है यहां जो वोल्टेज जुड़ी है वो कितनी है V2 है, और इसमें कार्ड इधर बहने वाले करंट कितनी है I2। ठीक है, यहां कुछ जुड़ा नहीं है इसलिए क्या होगा, ये रेजिस्टेंस प्रभावी नहीं रहेगा, इसलिए इन दो टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज अपन कंसीडर करते हैं V1 वो किन के बीच वोल्टेज गिनी जाएगी, हम इन दो टर्मिनल के बीच पैरेलल है ना, क्योंकि ये त्रिफेक्टिव है नहीं इसलिए इसको तो लगाओ जो मतलब तो ये टर्मिनल ये होगी, इसका आर थ्री के सिरों पर जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी वी वन। इस स्थिति में देखो, इस स्थिति में आर थ्री के सिरों पर वोल्टता कितनी होगी वी वन के तुल्य होगी, इसके तुल्य होगी वी वन के पैरेलल में है ना, इसलिए अब V1 के तुल्य होगी, या R3 के सिरों पर वोल्टता कितनी होगी, देखो I2 करंट आ रही है इसमें से, I2 करंट इसमें से फ्लो होगी तो I2 into R3 क्या होगा इसके सिरों पर वोल्टता, इसका मतलब V1 कितना हो गया अपने पास I2 into R3, यहां से देखो I2 का भाग लगा दो, देन Z1 को कितना होगा V1 upon I2 बराबर दो, ये कितना आ गया था तीन ओम, दो आ गया। अब तीसरी बात, अब तीसरे की बात करते हैं, तीसरा कौन सा है जेड टू वन, तो जेड टू वन कितना होगा, जेड टू वन कब मिलेगा अपन को, ये टू वन कब मिलेगा जब इस आई टू को जीरो करेंगे तो क्या वी टू अपॉन आई वन, V2 अपॉन, जबकि आपने क्या किया है I2 बराबर जीरो, ये I2 जीरो होने का मतलब क्या है निर्गम टर्मिनल खुले हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो निर्गम टर्मिनल है ये क्या है खुले, समझ गए, अब ये खुले होने का मतलब फिर वही बात है ना, तो यहां करंट कितनी होगी जीरो और यहां वोल्टेज V1 लगी हुई है ऑलरेडी, अब आपके पास ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या हो गया इनइफेक्टिव हो गया, इसका मतलब यहां जो वोल्टता थी V2 अब वो किसके बीच गिनी जाएगी, एक तरह से ये जो वोल्टता होगी ना V2 ये किसके सिरों पर, ये तो काम का है इसलिए ये टर्मिनल यही आ गई, इसका मतलब आर थ्री के सिरों पर जो वोल्टता होगी वो कितनी होगी V2, क्लियर, या R3 के सिरों पर बोलता यहां पर ध्यान देना, यहां पर उस ऊपर वाले केस में अलग था, यहां पर R3 के सिरों पर वोल्टता कितनी होगी V2, और R3 के सिरों पर वोल्टता कितनी होगी, I1 इधर से आएगी I1 into R3, इसका मतलब V2 बराबर I1 into R3, तो क्या रह गया आपके पास Z टू वन बराबर V2 अपॉन I1 बराबर R3 बराबर 2 ओम, तो दिक्कत नहीं हो कुछ, नेक्स्ट देखो क्या बच गया, चौथी और बच गई, क्या बच गई चौथी J22,
ये कब मिलेगी टू टू, जब आई वन जीरो होगा, इसका मतलब वी टू अपॉन आई टू, जबकि आई वन बराबर जीरो। आई वन जीरो का मतलब निवेशी टर्मिनल खुले, ठीक है। अब निवेशी टर्मिनल आप खोल दो, इनको खुला रखें, वही बात है। निवेशी टर्मिनल खुले हैं तो ये रेजिस्टेंस इफेक्टिव होगा क्या? नहीं होगा, समझ में। हाँ, इधर वाला सर्किट जुड़ा हुआ है, इस बार इसमें से फ्लो होने वाली करंट कितनी है? आई टू है, और वोल्टा कितनी लगा दी अपने? वी टू। तो वी टू वोल्टेज किसके बराबर होगी? इस वोल्टा के कारण धारा इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस दोनों में से बहेगी। इसका मतलब वी टू किसके बराबर है? आई टू आर टू प्लस आई टू आर थ्री। इसका मतलब जेड टू टू किसके बराबर है? वी टू अपॉन, इसमें से आई टू कॉमन लिया, क्या आ गया? आर टू प्लस आर थ्री, आर टू आर थ्री वन प्लस टू। ये लो आगे, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसका मतलब अपने पास क्या आया? जेड प्राचल, जेड प्राचल किस फॉर्म में आ गए? जेड वन वन, जेड वन टू, जेड टू वन, जेड टू टू, किस फॉर्म में आ गए? ये कितना आया? जेड वन वन थ्री ओम, जेड वन टू टू ओम, और ये जेड टू वन टू ओम, और ये थ्री ओम, ये आंसर, ठीक है। ये अपने पास कौन से प्राचल मैट्रिक्स आ गए? जेड प्राचल। इस तरह से आप और भी सर्किट सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो, चौक की नींव लगा लगा, ठीक है। ये पहला पीस था। दूसरा अपन देखते हैं, बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से सुना है पिछला वीडियो, इसलिए आपको सॉल्व सर्किट सॉल्व करने के लिए केवल किरचॉफ के नियम लगाने पड़ेंगे, और कुछ लगाना है नहीं, और वो आप आसानी से लगा देते हो, उसमें आपको प्रॉब्लम आती नहीं है, इसलिए सर्किट सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं है, है ना। ये सर्किट है, इसके लिए एच प्राचल ज्ञात करने आपको, क्या सर्किट कितने हैं? 10, 10, 10, 20, तो ये 10 ओम, 30 ओम, ये 30 ओम दे रहा है, ये 10 ओम नहीं दिख रहा, तो ये 30 ओम, ये 10 ओम, ये 20 ओम, और ये, ठीक है। देखो इस सर्किट के लिए अपन को क्या याद करना है? एच प्राचल, ठीक है। एच प्राचलों वाले समीकरण लिख देता हूं फिर मैं, क्या थे समीकरण? एच प्राचलों के लिए आपने क्या क्या माना था? इनपुट वाली करंट और आउटपुट वाले वोल्टेज को स्वतंत्र चर माना था, है ना। स्वतंत्र चर कौन थे? इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। तो इनपुट का वोल्टेज बचा स्वतंत्र पहला चर, इसका एच वन वन था मान इंटू आई वन प्लस एच वन टू इंटू वी टू, और दूसरा आई टू वाला समीकरण क्या था? एच टू वन आई वन प्लस एच टू टू वी टू। ये समीकरण नंबर वन और समीकरण नंबर टू आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे? नाउ क्या चाहिए? एच वन वन चाहिए, एच वन वन, एच वन वन कब मिलेगा? जब वी टू जीरो करेंगे तो क्या बचेगा? वी वन अपॉन आई वन, तो वी वन अपॉन, जबकि वी टू क्या है? जीरो। देखो ये वोल्टेज जीरो कब होगा? जब ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट सर्किट लघुपतित होंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि निर्गम टर्मिनल कैसे हैं? निर्गम टर्मिनल लघुपतित है ना। तो देखो मैं लघुपतित कर देता हूं निर्गम टर्मिनल को,
I1 यहां आएगी, उसका उसका कुछ हिस्सा तो इधर बट जाएगा, है ना, शेष बचा हिस्सा इस ब्रांच में जाएगा। अब फिर यहां धारा विभाजन लगेगा, तो आप एक चीज देखो, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना, जीरो, इसका मतलब धारा क्या जाएगी, इनफाइनाइट, यानी जो टोटल धारा वो टोटल ही चली जाएगी, इनवर्स होती है ना, व्युत्क्रमानुपाती होती है धारा शाखा की प्रतिबाधा की, है ना। इसलिए यहां जो धारा है वो सारी की सारी इसमें से जाएगी, इसमें धारा नहीं जाएगी, इस ब्रांच में धारा नहीं जाएगी, क्योंकि ये दोनों ब्रांच क्या होगी, पैरेलल, और पैरेलल होती है ये शॉर्ट होगी बाईपास, तो अपन कह रहे हैं अपन ने इसको क्या कर दिया, एक तरह से नेगलेक्ट कर दिया, बाईपास हो गया, इसका रेजिस्टेंस जीरो से लेकर फुल इसमें से जाएगी, इसका रेजिस्टेंस है इसको कर दिया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में करंट सारी की सारी किधर जाएगी, इधर, और ब्रांच क्या बनेगी, ऐसी स्थिति क्या मिल जाएगी मेरे पास, ऐसी ये स्थिति बन जाएगी, वो इफेक्टिव है ही नहीं, वो प्रतिबाधा को हम क्यों लगाएं उसको, है ना, उसका भार क्यों बढ़ेगा, हो गया काम। अब क्या होगा, V1 वोल्ट का लगाइए, उसके कारण धारा I1 वही है जो किस किस के कारण इधर और इधर, ठीक है। अब एक चीज होता, इन दोनों का क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा इन दो पॉइंट के बीच, कितना, दोनों क्या इसमें है समांतर में, तो कितना होगा, 10 × 20/10+20, कितना होगा, 200/30, यानी 20/3, इन दोनों का 20/3 हुआ, मैं इन दोनों को हटा देता हूं, ठीक है, इन दोनों को मैंने हटा दिया, हटा के फिर मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों के जगह तुल्य प्रतिरोध यहां जोड़ दूं मैं, और उसका मान कितना, 20/3। अब देखो ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध सीरीज में है, तो यहां से V1 कितना हो जाएगा, V1 बराबर ऊपर वाले परिपथ में V1 बराबर I1 30, यानी 30 I1 + 20/3 I1, I1 कॉमन आ गया, V1 में भाग लगेगा, तो कितना आ जाएगा, H11 V1/I1 30 + 20/3 110/3, 30 × 90, तो 90 + 20 = 110, 110/3, ठीक है, आगे रेजिस्टेंस H11 का मान। अब फिर अपन अपने वाले सर्किट पे वापस चलते हैं, वो ही पुराना सर्किट, हमें तो एक याद करना था, तो अपने सर्किट को देख लिया था, अब फिर वापस चलते हैं, यहाँ फिर एक रेजिस्टेंस जुड़ा है 20 ओम का, यहाँ रेजिस्टेंस 10 ओम का, और यहाँ एक रेजिस्टेंस जुड़ा है 10 ओम का, इन दोनों टर्मिनल के बीच वोल्टता लगाई होगी, और करंट इसमें से जाने वाली कितनी है, I2, पहला तो आ गया, दूसरा H12। अब H12 के लिए क्या होगा, H12 कब मिलेगा मुझे, जब I1 0 होते ही V1/V2 जबकि I1 = 0, आप जानते हो I1 0 होने का मतलब क्या होता है, I1 0 होने का मतलब है कि ये टर्मिनल खुली है, ये टर्मिनल खुली है, इसके अलावा इनके बीच जो वोल्टता मापी गई थी, पहले तो लगा रहे थे, अब अपन मापेंगे, तो क्या हुआ, I1 का मतलब क्या हुआ, निवेशित टर्मिनल खुले, निवेशी टर्मिनल खुले हो, निवेशी टर्मिनल खुले होते ही ये टर्मिनल खुले हो गए, यहां कोई वोल्टता जोड़ने की किसी, इन दो टर्मिनल के बीच मापित वोल्टता V1 अपने पास, ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, समझ में, इस रेजिस्टेंस का कोई औचित्य रह गया, क्यों, क्योंकि बैटरी तो इधर जुड़ेगी, उसका वोल्टता V2 है, उसके कारण करंट I2 बनेगी, जो कुछ इसमें आएगी कुछ इधर आएगी, इधर तो खुले टर्मिनल तो करंट इधर आएगी नहीं, इसलिए इस ब्रांच का कोई महत्व है नहीं है, समझ गए, जब इस ब्रांच का महत्व नहीं रहा तो मुझे बताओ अब ये V1 वोल्टता किसकी सीमा पर मापी जाएगी, 20 ओम की सीमा, समझ गए। अब यहां से एक खास बात क्या है कि ये V2 वोल्टता लगी है, यहां तो रेजिस्टेंस है नहीं, चलो V2 वोल्टता किस पे लगी है, यहां पे, एक तरह से ये क्या हो गया, यहां पर अपने पास ऐसा सर्किट है, देखो है ना, जहां इसके सिरों के बीच, यहां V1 है वोल्टता, इसके सिरों के बीच मापित वोल्टता कितनी है, V1,
क्या होगा, देखो यहां से करंट I2 फ्लो होती है और इन दो टर्मिनल में देखो क्या होता है, यहां से देखो करंट डिवाइड होगी, करंट क्या होगी डिवाइड होगी, और डिवाइड होगी तो कुछ करंट इसमें से ऊपर जाएगी, कुछ इसमें से ऊपर वापस आ जाएगी। अब मुझे एक चीज बताओ, ये ब्रांच पूरी, कौन सी ब्रांच, ये ब्रांच पूरी है वो इसके पैरेलल में है ना, और इसके पैरेलल और इसके सिरों पर वोल्टता कितनी V2। तो मैं एक चीज ऐसा लिख सकता हूं कि देखो जरा यहां ये पॉइंट मैं A कह दूं और इसको क्या कहते हैं B, A पॉइंट मेरे पास ये है, यहां एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, यहां दूसरा रेजिस्टेंस जुड़ा है और यहां दूसरा पॉइंट आ गया B, और इसके पैरेलल में क्या है एक रेजिस्टेंस दूसरा जुड़ा है। ये रेजिस्टेंस 10 ओम है और ये ए सीरीज इधर ये 10 ओम और ये 20 ओम, और इस 20 ओम वाले इस टर्मिनल के यहां से यहां तक की वोल्टता कितनी गिनी जाती है V1, ऐसा ही तो है, और ये टोटल वोल्टता यहां से यहां तक कितनी है ये V2, समझ गए, ये टोटल V2। सो 10 ओम के टर्मिनल के सिरों पर भी कितनी है V2, इसका मतलब A और B के बीच भी कितनी है V2। अब हमें इसका तो मतलब है नहीं, ये तो पैरेलल है, इसका दोनों के सिरों पर बराबर है, इसका तो मतलब है नहीं, हमें तो आगे वाले ब्रांच से मतलब है क्योंकि V1 और V2 यहां ही आ रहा है, तो A और B के बीच कितनी वोल्टता V2, यहां इसके और इसके बीच कितनी है V1, समझ गए। हमें क्या करना है, हमें ये देखना कि इस पॉइंट और इस पॉइंट यानी 20 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता कितनी है वो V1 के बराबर है। तो मैं क्या कह दूं V1 कितनी होगी 20 ओम प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता, वोल्टता मतलब विभवांतर, ठीक है ये वोल्टेज हो। अब आप एक चीज बताओ मुझे, यहां लग V2 रही है टोटल, इससे इस तक V2 लग रही है, दो भागों में बटेगी वोल्टता, कुछ तो इस पर ड्रॉप होगी और कुछ इस पर बची हुई, तो दो चीजों पर अगर ड्रॉप हो रही है कोई वोल्टता तो किसमें होगी, साधारण अनुपात में, उनका अनुपात देख लेंगे 10:20 है, 20 अनुपात इसको मिल रहा है और 10:10 इसको मिल रहा है टोटल वोल्टता का, तो यहां V1 कितना होगा, इसका मतलब V1 कितना होगा, V1 के हिस्से में किसका अनुपात आएगा, जैसे मैं ये कहूं आपको सपोज कि राम और श्याम के बीच पास 100 रुपए हैं, 2:3 में बांटने हैं, ये राम का हिस्सा है और ये किसका है श्याम का हिस्सा है, तो श्याम को कितने मिलेंगे 3/ कुल अनुपात गुणा कुल धन, ये तो मिलेगा। ऐसे यहां V1 कितना होगा, इस 20 को कितनी मिलेगी वोल्टता, इसका अनुपात बटा कुल 20+10 कुल अनुपात 30 गुणा कुल वोल्टता V2, इसका मतलब यहां से V2 V1 बराबर क्या होगा 2/3। हमें क्या चाहिए, हमें यहां क्या चाहिए, यहां क्या चाहिए H12, तो H12 बराबर V1 upon V2 2/3 0.67, ये वोल्टता अनुपात होगा, वोल्टता लाभ उत्क्रम वोल्टता 0.67, ठीक है। वापस चलते हैं अपने वाले उसी बात की, वहीं चलते हैं, वापस कहाँ चलते हैं, वहीं चलते हैं, आइए वापस चलते हैं, ठीक है, वापस आए, यहां 10 ओम था, यहां एक रेजिस्टेंस लगा था, ये 30 ओम का था, एक टर्मिनल ये था, एक टर्मिनल ये था, ये कितना था V1 वोल्टेज यहां और इसमें से जाने वाले करंट I। अब तीसरा क्या बचता अपने पास H21, ये वाला, ये कब जब V2 को जीरो करोगे तो I2 upon I1, जबकि V2 क्या है जीरो, V2 जीरो क्या है निर्गम टर्मिनल लघुमती, निर्गम टर्मिनल लघुमती होने का मतलब क्या है, V2 जीरो, इसका मतलब ये डायरेक्ट
एच टू डबल ये हो गया। अब निर्गम लघुपतित हो गए, चाहिए क्या आई टू अपॉन आई वन चाहिए, एच टू वन ये आई टू अपॉन आई वन, वी टू जीरो ये जीरो हो जाएगा ठीक है। अब ये जीरो हो गया तो इसका कुछ रोल बचा क्या, इसका कोई रोल नहीं बचा, और इसका रोल नहीं बचा तो फिर मेरे पास क्या बचा, क्या रहा इसका कोई रोल नहीं बचा, इधर से आने वाली करंट क्या थी I, और इधर से जाने वाली करंट क्या है I1, तो ये लूप भी ले लो आप, है ना, इस लूप में किरचॉफ का नियम लगा दो, बहुत सिंपल तरीका है। इसमें किरचॉफ का नियम कैसे लगाओगे कि I1 करंट इधर से आ रही है यूं जाएगी I1 और I2 इससे आगे यूं जाएगी, ये ब्रांच क्यों हट गई क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है इसलिए करंट, ये जो I2 करंट इसमें तो डिवाइड होगी नहीं, आगे जाकर के डायरेक्ट निकल आएगी इससे ठीक है, इसलिए क्या हुआ ये ब्रांच गई हट ठीक है, हटते ही क्या हो निष्प्रभावी होती, इस लूप में I2 आएगी, I2 आएगी तो I2 भी इसमें से जाएगी और I1 भी इसमें से जाएगी, तो इसमें से जाने वाली करंट कितनी होगी I1 प्लस I2, इसलिए इस लूप को लगाओ लगाओ इस लूप में यहां से चले अपन है ना, तो लूप लॉस ही है ना, किरचॉफ के लूप लॉस से क्या होगा, यहां से चले तो 20 गुणा I1 प्लस I2, 20 गुणा I1 प्लस I2, फिर यहां से आए आगे प्लस 10 I2 दैट इक्वल टू 0, कितना होगा 20 I1 प्लस 30 I2 बराबर 0, ये यहां से क्या चाहिए अपन को I2 अपॉन I1, तो H2 1 क्या होगा I2 upon I1, यहां से I2 upon I1 क्या है I2 upon I1 बराबर I2 उधर ले गए upon I1 ले गए तो I2 upon I1 इधर आया तो माइनस 20 बटा 2 कितना आया माइनस 2 बटा माइनस 0.6 ये हरा लाभ ठीक है, माइनस इसलिए करंट की डायरेक्शन अपन इधर ले निर्गम करंट की डायरेक्शन इधर लेते आउटपुट वाले की अगर इधर लेते तो प्लस आ जाता वो कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड क्या बचा अपने पास ये लास्ट क्या बचा लास्ट क्या चाहिए अपन को H2 जो कितना है I2 upon V2 इसको जीरो कर जबकि I1 बराबर जीरो I1 जीरो का मतलब निवेशी टर्मिनल खुले ये लो यहां वाला I1 तो अपन पूरा पहले वाला ले ले ठीक है यहां क्या परिपथ बचा था यहां रेजिस्टेंस था 10 ओम इधर से आने वाले करंट I2 यहां वोल्ट का V2 और ये करंट I1 अब देखो ये I1 क्या होगी जीरो ये टर्मिनल क्या हो गए खुले समझ ये टर्मिनल खुले हो गए तो ये ब्रांच क्या हुई ये ब्रांच ये निष्प्रभावी होगी इसका मतलब इसको हटाए दो ठीक रहेगा ये ब्रांच हटा दो अब वो जो वोल्टता बता रहे थे वो तो यही थी है ना मुझे क्या चाहिए I2 upon V2 इधर वाला कोई पोर्शन बचा ही नहीं अब यहां से चलो इधर वोल्टेज कितना लगा अभी अब एक चीज और बताओ ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है सीरीज में और दोनों सीरीज में 10 और 20 है दोनों की जगह मैं क्या जोड़ दूं दोनों की जगह मैं रेजिस्टेंस जोड़ इतना उनके बीच या 30 ओम आप देखो ये दोनों भी किस में पैरेलल में इन दोनों की जगह भी मैं क्या कर दूं एक रेजिस्टेंस जोड़ दूं और दोनों की जगह रेजिस्टेंस कितना होगा 30 गुणा 10 बटे 30 प्लस 10 300 बटे 40 30 बटे 4 यानी 15 बटे सर इन दोनों की जगह मैं क्या जोड़ दूं एक रेजिस्टेंस और इसका मान मान कितना है 15 बटे 2 देखो जरा V2 वोल्टता लगाई I2 into this इसके बराबर होगा इसका मतलब क्या होगा V2 बराबर I2 गुणा 15 बटा तो इसका मतलब अपन को क्या चाहिए I2 upon V2 तो H22 अब एक चीज देखो जरा H22 कितना
आई क्यू अपॉन कितना आ गया, आई टू अपॉन बी टू इधर जाएगा इधर, तो बेटा क्या ठीक है। इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, इजीली इन दो फॉर्मूलों की सहायता से सर्किट को सॉल्व करके स्क्रैच पैरामीटर निकाल सकते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपको टीचर्स दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप हमेशा आगे बढ़े उन्नति करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ठीक है। आप घर पे भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करना, और नेक्स्ट जो लेक्चर सीरीज अब शुरू होगी इससे आगे वाले जो लेक्चर चलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसी इन्हीं के, और उनको अपन कहते हैं जाल प्रमेय, पांच छह प्रमेय हैं अलग अलग साइंटिस्टों के नाम पर, उन सबको अपन वन बाई वन करके पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछी जाती है, आप जहाँ भी जाओगे जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से कुछ आएगा बीएससी या एमएससी वगैरह वहाँ ये पूछेगा ठीक है।